हाँ मैं बस पहुंच रहा हूँ यार। कोई मैकेनिक मिला क्या? नहीं 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 नहीं, इस समय कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा रात में। तो अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर दे, सुबह बनवा लेंगे। हाँ अच्छा सुन, और तो इतनी रात को सुनसान रास्ते पर करने का क्या वे? अरे यार मैंने सोचा था कि शॉर्टकट मारूंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा, मुझे थोड़ी पता था कि गाड़ी खराब हो जाएगी। चल अच्छा ठीक है, तो फोन रख, आ रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ। ओ मैडम, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अभी टक्कर लग जाती तो? लग जाती तो लग जाती, मेरी जान जाती ना। जेल तो मुझे होती ना। अजीब औरत है यार। क्या हुआ, कोई पहचान वाली थी क्या? अरे नहीं यार, ये औरत गाड़ी के नीचे आते आते बची, उसके बाद इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में चली गई। क्या इस वक्त? छोड़ना, चल हम चलते। अरे वहां क्या कर रही हो? अबे ओ! मैं अपनी जान देने आई हूँ। नहीं नहीं नहीं, कूदना मत। अरे मैं अपनी दुख भरी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अभी चल यार, बचाते हैं चल के उसको। आजा को फोन करता हूँ, अब वही लोग पता लगाएंगे इसका क्या हुआ। अरे नहीं नहीं नहीं, सीआईडी को फोन मत कर यार, वो लोग हमारी बात का यकीन करेंगे नहीं और फालतू में हमें फंसाएंगे। पर गई कहाँ ये? हाँ यार वैसे भी हमें तो जो हो सकता था हमने किया। चल 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 चल, चल। आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। वाकई नंदिनी, मुझे भी इस पल का कब से इंतजार था। हमारी इतनी पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में जो बदल रही है। सही कह रही है। आइए ना प्लीज, आइए। शालिनी, मैं श्रुति को लेके आती हूँ। जरूर। कुछ चाय दे देना। जीती रहे बेटी। नंदिनी, मैं हमेशा से ऐसी संस्कारी बहू के बारे में सोचती थी। मैं अपनी दुख भरी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विशाल, तुम पहले से ही श्रुति को जानते हो? कल रात मैंने और मयंक ने एक लड़की को आत्महत्या करते हुए देखा था अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, वो श्रुति ही थी। ये कैसे हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं विशाल? ऐसे मौके पर ऐसे मजाक? माँ मैं सच कह रहा हूँ, मयंक बता ना माँ को। हाँ आंटी, देखा तो था ज्वाला नगर में करीबन 10 बजे पर। ज्वाला नगर? कल रात 10 बजे मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में थी। अगर आप चाहे तो फोन करके पूछ सकते हैं। विशाल, अगर कल ये बिल्डिंग से कूदी थी तो ये तो बिल्कुल सही सलामत है। कैसे? यही तो मैं सोच रहा हूँ माँ। देखिए, अगर आपको शादी नहीं करनी है तो आप मना कर दीजिए, लेकिन मेरे बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए प्लीज। श्रुति! विशाल, क्या व्यवहार है तुम्हारा? रुला दिया ना बच्ची को। मैं सच कह रहा हूँ माँ, मेरी बात का आप यकीन क्यों नहीं करती हैं? शालिनी, नंदिनी, आज जो कुछ भी हुआ है इसके लिए रियली आई एम वेरी सॉरी। मुझे लगता है कि विशाल ने किसी दूसरी लड़की को देखा है, पर मैं घर जाकर विशाल से बात करूंगी और जाकर तुम्हें कॉल जरूर करूंगी। ठीक है शालिनी, चलिए। प्लीज प्लीज माँ, माँ माँ प्लीज मेरी बात तो सुनिए माँ। माँ बाप रे बाप, भाई आज तक मैंने आंटी को इतने गुस्से में नहीं देखा। चल
अरे तुझे डांट खाने का शौक है ना तो तू जा, मैं नहीं आने वाला। अच्छा बेटा, दोस्त को ऐसे छोड़कर जा रहा है मुसीबत में। अबे चल रहा है विशाल, चल विशाल। नहीं यार, चल नहीं यार, तू समझता क्यों नहीं। माँ मेरी तरफ देखो ना प्लीज, मैंने जो भी कहा गलत नहीं कहा माँ, हम दोनों ने उसको बिल्डिंग से कूदते हुए देखा है। अच्छा तो फिर उसकी लाश कहाँ गई? पता नहीं, गायब हो गई कहीं। देखो विशाल, तुम ये कहानियां गढ़ना तो बंद करो। मैं उन लोगों को जुबान दे चुकी हूँ, तुम्हारी शादी श्रुति से ही होगी। माँ मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ। मैं यार समझाना माँ को। मयंक, एक अच्छे दोस्त का फर्ज होता है कि अगर दोस्त का घर बस रहा हो तो देखकर खुश होना। अगर तुमने उसकी शादी में टांग अड़ाई तो समझ लेना कि विशाल की जिंदगी से तुम आउट, समझे? हाँ आंटी मैं समझ गया। देखो विशाल, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, तुम्हारी उम्र हो गई है शादी के लिए, अब तक ऐसे कुंवारे बैठे रहोगे? चाचा जी आप भी माँ के साथ प्लीज, आप तो कीर्ति तुम तो मेरी बहन हो, प्लीज तुम भी माँ को समझाओ ना। प्लीज भैया, आपकी शादी के चक्कर में कहीं वो मेरी शादी के पीछे ना पड़ जाए। मैं भी चलता हूँ, पर मैंने जो बात कही उस पर गौर जरूर करना। अंकल सबके सब सेल्फिश हैं यार, मेरी शादी करवा के सब मुझे फंसाना चाहते हैं। इस बार तो बेटा तुम बुरा फंसा, मुझे ना तेरे बचने के कोई आसार नहीं दिख रहे। अरे यार तू तो ऐसे मत बोल प्लीज, कोई तो तरकीब होगी, निकालना यार कुछ कुछ करना। एक आइडिया। क्या? पार्टी। देख मेरी बात सुन, थोड़ी देर के लिए ये सारी टेंशन भूल जाते, जम के पार्टी करते, तो कोई ना कोई सोल्यूशन अपने आप निकल आएगा ना। क्या बात कर रहा है, अबे तुझे इस सिचुएशन में भी पार्टी नजर आ रही है? अबे मान जाना मेरी जान, देख शादी के बाद ये सब करने का मौका मिले या ना मिले, who knows, है? अबे मेरे भाई, शादी एक ऐसा लड्डू है कि इंसान खाए तो पछताए, पर अगर ना खाए तो भी पछताए। फिर तो मैं ना खाकर ही पछताना चाहता हूँ भाई। अरे रुक 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 रुक, वो देख श्रुति। अरे हाँ यार, चल देखते चल के। चल आराम से देख। गायब हो गई यार। कहाँ गई? यही तो थी अभी। रुक एक मिनट, मैं इसका वंडा फोड़ता हूँ आज। हेलो। हाँ मैं विशाल बोल रहा हूँ आंटी। अरे विशाल बेटा क्या बात है, इतनी रात गए तुमने फोन किया? श्रुति है क्या घर पर? हाँ है। क्या घर पर है? घर पे कैसे हो सकती है? बात कर रही है आंटी। हाँ एक मिनट। हाँ श्रुति, विशाल का फोन है। विशाल का? विशाल है, तुमसे बात करना चाहता है। कर से? हाँ। हेलो, इतनी जल्दी फोन कर लिया तुमने, मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। ये बताओ तुम इतनी जल्दी घर कैसे पहुंच गए? मतलब मैं तो दोपहर से घर पे ही हूँ। झूठ मत बोलो, मैंने अभी तुम्हें उन्नत नगर में देखा है। उन्नत नगर में? विशाल उन्नत नगर मेरे घर से 1 घंटा दूरी पर है, और अगर मैं अभी अभी उन्नत नगर में थी तो इतनी जल्दी घर कैसे पहुंची? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर खेल क्या खेल रही हो तुम? खेल मैं नहीं खेल, तुम खेल रहे हो। अरे यार फोन कर दिया। नंदनी, और इस वक्त? हाँ हेलो नंदनी। शालिनी लगता है कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों क्या हुआ? कुछ देर पहले विशाल का श्रुति को फोन आया था, वो
कुछ अजीब सी बातें कर रहा था। कह रहा था कि श्रुति रास्ते पे जा रही है। What? हाँ शालिनी, श्रुति दोपहर से घर पे ही बैठी है, कहीं नहीं गई। देखो तुम अपने बेटे विशाल को समझाओ, उसे अगर श्रुति के साथ शादी नहीं करनी है तो साफ साफ मना करे ना। इस तरह से श्रुति को परेशान करने की क्या वजह हो सकती है? देखो नंदिनी, मैं तुमसे विशाल की तरफ से माफी मांगती हूँ, और शादी तो ये होगी ही, पर शालिनी ये विशाल, तुम उसकी तरफ से बेफिक्र रहो, उसकी तरफ से तुम्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा नंदिनी। ठीक है, तुम अपने विशाल को समझाओ, वरना श्रुति के लिए मुझे दूसरा रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। बाय। क्या हुआ माँ? हेलो विशाल, तुरंत घर आओ। अरे सुनो तुम, तुरंत घर आओ। माँ क्या हुआ आपको, अचानक से क्यों बुलाया मुझे? ये बताने के लिए कि आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, ना तुम मेरे बेटे हो और ना मैं तुम्हारी माँ। माँ ऐसे क्यों बोल रही हो आप? तुमने श्रुति के घर फोन किया था? हाँ माँ किया था, बट इस बार आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, प्लीज मान लो ना माँ। जो सड़क पर मैंने लड़की देखी वो श्रुति ही थी। और उसी वक्त तुमने श्रुति के घर फोन किया था ना, लैंडलाइन पर, और वो उस समय घर में थी या नहीं? थी माँ। तो बस अगर तुम अपनी माँ को खुशी खुशी मरते देखना चाहते हो तो तुम्हें श्रुति से शादी करनी होगी। माँ अब ये मरने मराने की बात कहाँ से आ गई? नैन साहब ये दवाई ले लीजिए। माँ ले लीजिए ना प्लीज। काका अब दवा मैं तभी खाऊंगी जब विशाल शादी के लिए हाँ कर देगा। माँ ये बहुत गलत बात है, प्लीज ले लो ना दवा। यार मैं तो समझा ना माँ को कुछ। आंटी कम से कम दवाई तो ले लो प्लीज। तू चुप रहे, तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। विशाल तुझे शादी नहीं करनी है तो मत कर, अब मैं भी वही करूंगी जो मुझे करना है। भैया हाँ कह देना। मुझे दे दीजिए। माँ मैं शादी के लिए तैयार हूं। विशाल विशाल आओ बेटा, आराम से आओ। चलो बेटा। बेटा श्रुति देखो हमारे घर की दहलीज पर अपना पहला कदम रखो। अरे आपको भी मुबारक हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बेटा चलो अंदर। प्रवेश तो हो गया, अब जल्दी से मुंह दिखाई भी कर दो। अरे वाह बड़ी खूबसूरत बहू पाई है आपने, इसे किसी की नजर न लगे। अरे तुम इसे 2 घंटे पहले तो मैंने तुम्हारे घर के पीछे वाले रास्ते से बाहर जाते हुए देखा था। क्या तुमने इसे पीछे जाते हुए देखा था? हाँ। बस बस ये बातें हम कल करेंगे, फिलहाल हम लोग बहुत थक गए ना, आराम करते हैं। हाँ आइए भाभी।
रामू काका अरे अरे विशाल बेटा, विशाल देख रामू काका को क्या हो गया। रामू काका पेट में एक वार और छाती में एक वार चाकू से किए हैं, बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। फिर घर वालों के हिसाब से खिड़की दरवाजे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मतलब जोर जबरदस्ती से घुसने की कोशिश भी नहीं हुई। वही तो, एक काम करो, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो अंदर से बाहर से। चली जी जरा बताइए, आखिरी बार आपने रामू जी के साथ कब बात की थी? सर, रामू से मेरी 7 बजे बात हुई थी फोन पर। और लाश कब देखी आपने? 10 बजे। मतलब 7 और 10 बजे के बीच रामू का कत्ल हुआ। सर, किचन में ये पायल मिली शेल्फ के नीचे। किचन में शेल्फ के नीचे ये पायल मिली? गुड वर्क, जाओ देखो और कुछ मिलता है क्या। सर, ये पायल किसकी है? ये पायल तो मैंने कभी नहीं देखी। सर, मैंने ये पायल देखी है श्रुति के पैरों में। सर, क्या क्या? जिस दिन श्रुति बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर रही थी। अब बहुत हो गई, मैं अब अपना और अपमान नहीं सह सकती, मैं यहाँ से जा रही। नहीं, कहीं नहीं जाएंगी आप। बता, साफ साफ बता, क्या हुआ था? सर, सब नॉर्मल है सर, सब नॉर्मल है, कुछ नहीं है सर। माँ, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। सर, कुछ दिन पहले मैंने श्रुति को एक बिल्डिंग से कूदते हुए देखा था, बट सर हैरानी की बात यह थी वहां पर कोई लाश दिखाई नहीं दी थी सर। अरे, उसके बाद मैंने श्रुति को सफेद साड़ी में सड़क पर जाते हुए देखा था सर। विशाल, तुम मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हो? अगर मैंने आत्महत्या की होती तो आज मैं यहाँ जिंदा खड़ी कैसे होती? और इतना ही नहीं सर, रात के करीब 8 बजे हमारे पड़ोस की ज्योति आंटी, ये इन्होंने भी श्रुति को हमारे घर के पीछे वाले रास्ते से जाते हुए देखा था सर। हाँ सर, विशाल रात के 8 बजे मैं मंडप में तुम्हारे साथ थी, और तुम कहना क्या चाहते हो कि रामू काका का खून मैंने किया है? मैं खूनी हूँ सर। सर, अंदर के कमरे में ये पेंटिंग सोफे के नीचे छिपा के रखी गई थी सर। एक मिनट सर, सर ये पेंटिंग तो उसी बिल्डिंग की है जिस बिल्डिंग से श्रुति ने छलांग लगाई थी सर। चुप विशाल, एक शब्द भी आगे मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। ये बिल्डिंग ज्वाला नगर चौराहे पर है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, और श्रुति बहुत अच्छी चित्रकार है और वो पेंटिंग बहुत अच्छा बनाती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम विशाल? अब तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है? और किसने बनाई है? तुम मेरे साथ क्या खेल खेल रही हो? सच सच बताओ ना प्लीज। खेल तो तुम लोग खेल रहे हो मेरे साथ, एक के बाद एक इल्जाम लगाते जा रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें विशाल? सर, सर ये फूलों की टोकरी घर के पीछे गिरी हुई थी। घर के पीछे? पर फूल तो हमने मंगाए नहीं थे। शालिनी जी, है ना बड़ी अजीब बात, 3-3 चीजें हमें मिलती है, वो भी आपके घर से अजीब अजीब जगह पर रखी हुई। पायल मिलती है किचन के अंदर शेल्फ के नीचे से, ये ड्राइंग मिलता है छुपा के रखा हुआ, और अब ये बुके घर के पिछवाड़े। विशाल, अब ये मत कहना कि ये फूल भी मैं ही लेकर आई हूँ। श्रुति जी, शायद अपूर्वी सर, यही वो दुकान है जहां से उसने फूल खरीदे थे। ये फूलों की टोकरी मैंने ही बेची थी, अभी बताया मैडम को, क्या बात हुई?
किसे बेची थी, कब बेची थी? आपके हाथ में ये फूल है तो आपको ही बेचे होंगे ना? अरे नहीं भाई साहब, हमें नहीं बेचे थे। तो फिर ये आपके पास कैसे आए? किसी ने आपको गिफ्ट किया क्या? तुम बोलते बहुत हो, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, सिर्फ पूछे हुए सवालों का जवाब देना। ठीक है साहब। बताओ किसने खरीदे थे ये फूल? एक लड़की आई थी दुल्हन के जोड़े में। दुल्हन के जोड़े में? तुम्हें पक्का याद है? हाँ साहब, पक्का याद है साहब। वो जब मुझे पैसे दे रही थी ना, तो उसके हाथों में नई नई मेहंदी लगी थी। ये थी वो? जी हाँ, यही है वो। सर इसका मतलब पड़ोसी बिल्कुल ठीक कह रही थी, उसने श्रुति को बाहर जाते हुए देखा था। वो कैसे आई थी यहाँ पर? एक नई गाड़ी से आई थी। गाड़ी का नंबर देखा था? नहीं देख पाया मैडम। किस तरह की गाड़ी थी? वो आजकल जो नई नई गाड़ी आई है ना, जिसका विज्ञापन अखबार और टीवी में आ रहा है, क्या नाम है उसका, कहाँ से कुछ नाम है? कॉन्गो? हाँ, कॉन्गो गाड़ी, लाल रंग की। सचिन पता लगा सकते हैं। इस गाड़ी के डीलर से पूरी लिस्ट ले लो जिन्होंने ये गाड़ी खरीदी है, काम हो जाएगा। थैंक यू। तुम्हारी उदासी का कारण समझ सकती हूँ बेटा। लड़की का मायके से ससुराल का सफर आसान नहीं होता है बेटा, और जब जबकि उसका पति उसे प्यार न करे तो उसकी जिंदगी उसे पहाड़ सी मुश्किल लगने लगती है बेटा। पता नहीं माँ, मैंने पिछले जन्म में खुद से ऐसे पाप किए थे जो भगवान मुझे ऐसी सजा दे रहा है। हेलो आंटी। सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। अरे नहीं, पहली बार तो बुद्धू वक्त पर आया है। ये हाथ में क्या है? ये तो मम्मी ने श्रुति के लिए तोहफा भेजा है। और वो क्यों नहीं आई? ले ले बेटा, ले। आपको तो पता ही है आंटी, उनके घुटनों में तकलीफ रहती, पर उन्होंने श्रुति के लिए किलो किलो आशीर्वाद भेजे हैं। थैंक यू। अरे कम से कम खोल के तो देखो। ओ वाओ, वेरी प्रिटी सारी। That तो I know, पर अब आपको ये पहन के दिखानी होगी। अभी? हाँ बिल्कुल, आओ पहन लो और तैयार हो जाओ, घूम कर आओ, मन बहल जाएगा। और हाँ, विशाल को तैयार कर लो और दोनों को घुमा लो। ठीक है आंटी, उसकी आप चिंता मत करो, उसको मैं समझा लूंगा। जाओ बेटा। विशाल सुनना, तेरे फेवरेट एक्टर की मूवी लगी है, चल ना तीनों देख के आते हैं, और उसके बाद तीनों खाना वाना बाहर ही खा के उसके बाद खा रहे हैं। चल। नहीं, मेरा मूड नहीं है। तो तेरे मूड की हैसियत ऐसी? मैंने 3 टिकट्स बुक करवा लिए, पूरा खर्चा वर्चा कर लिया, और तू लास्ट मोमेंट में प्रोग्राम कैंसिल करेगा। कहाँ है टिकट? देखा? हाँ तो टिकट है ना? ये टिकट है। वो है बेटा, जब झूठ बोलना नहीं आता तो काहे को झूठ बोलता है, कोई फायदा नहीं है। ताकि तेरे जैसा बुद्धू दोस्त मान जाए, समझा? क्या कर रहा है? श्रुति के साथ क्यों नहीं चल रहा तू? तेरी शादी हो चुकी है उससे। थैंक यू, तूने बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था यार। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, हम तो बस ये डिसाइड कर रहे थे कि मूवी कौन सी देखनी है, कॉमेडी देखनी है या फिर रोमांटिक। हाँ जो आप लोगों को पसंद हो। फिलहाल तो कॉमेडी देख लेते हैं, रोमांस की अपनी लाइफ में तो कोई जगह है नहीं। हाँ ये भी सही है, इसी बहाने थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाएगा। क्यों श्रुति, मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा टिकट लेके आता हूँ, उतनी देर तुम दोनों जरा आइसक्रीम खा लो। नहीं नहीं, टिकट लेने मैं जाऊँगा, तो हमेशा गलत सीट चूज करता है, मैं आता हूँ। अरे श्रुति, विशाल की बात का बुरा मत मानना, उसमें अभी भी थोड़ा सा बचपना है। हाँ अब उसकी शादी हो गई है तो होपफुली थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा।
लेकिन उसके इस बर्ताव से मुझे बहुत ठेस पहुंचती है। उसे समझना चाहिए ना ये। आई अंडरस्टैंड, मैं बात करूंगा ना उससे। अच्छा एक काम करते हैं, अभी मूड चेंज करते हैं और चल के आइसक्रीम खाते हैं। चलो। अरे चलो ना यार, चलो 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 चलो। ओनो क्या हुआ? मैं अपना फोन गाड़ी में भूल आया यार, मैं लेके आता हूँ। तुम भी साथ चलो ना, यहाँ खड़े खड़े बोर हो जाओगे। चलो चलो। कौन गो? ऐसा लग रहा है जैसे किसी पालतू कुत्ते का नाम हो। एक्सक्यूज मी, जरा एक बात बताइए, क्या आपने लाल रंग की कॉन्गो कार बेची है? जी सर बिल्कुल बेची। कितनी बेची है? यही कोई 25 से 30। लेकिन क्यों सर? जिन जिन लोगों ने गाड़ी तुमसे ली है उनके नंबर्स और एड्रेस चाहिए। आप लोग क्या CID वाले हो क्या, जो मैं आपको बताऊं? जी CID वाले। CID? एक काम करो, तुम जरा मेरे कैबिन में बैठो, मैं आता हूँ। ठीक है सर, आइए मेरे साथ। सर ये रही वो लिस्ट जिन्होंने कॉन्गो कार खरीदी है। यार श्रुति को इतना वक्त क्यों लग रहा है? फिल्म छूट जाएगी यार। सब्र कर यार, आ जाएगी। लड़कियों को वॉशरूम में टाइम लगता ही है। ले आ गई तेरी मैडम। जानू मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, ज्यादा मिस तो नहीं किया तुमने? जानू मैं कोई जानू मानू नहीं हूँ तुम्हारा, विशाल नाम है मेरा। नाम लो विशाल। कितना बोरिंग नाम है ना ये विशाल। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? पता है मेरे स्कूल में ना एक लड़का हुआ करता था, उसका नाम था विशाल। बहुत ही डम और बहुत ही बोरिंग था, हमेशा नाक बहती रहती थी उसकी। हे तुम्हारी नाक पे कुछ है? ये क्या कर रही हो तुम सब? डर गए? मुझसे डर गए तो? मैं तो बस मक्की निकाल रही थी, मक्की बैठी थी। श्रुति क्या कर रही हो, सब लोग देख रहे हैं, प्लीज सीन मत क्रिएट करो। अरे मैं कहां सीन क्रिएट कर रही हूँ, हम तो मॉल में एंजॉय करने आए हैं ना, एंजॉय कर रही हूँ मैं। ओके तुम अकेले एंजॉय करो, मैं घर जा रहा हूँ। अरे विशाल बैठ, तू प्लीज बैठ ना। चल रहा है या नहीं चल रहा है यार? सोच लो विशाल, अगर तुम यहाँ से निकल गए तो तुम्हें ये राज कभी नहीं पता चलेगा कि उस रात बिल्डिंग से कूदने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, उस रात बिल्डिंग में मैं ही थी। मैं जानता था। जानते थे पर कभी प्रूव नहीं कर पाओगे, सबूत तो तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम चाहती क्या हो? भूख लगी है, आइसक्रीम लेके आओ ना जानू प्लीज। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम्हें आइसक्रीम की पड़ी हुई है। विशाल सीन कौन क्रिएट कर रहा है? विशाल बैठ, तू बैठ ना, मैं बोल रहा हूँ तुझे, बैठ प्लीज। हेलो मूवी नहीं जाना है क्या? चलो लेट्स गो। श्रुति लाल रंग की कार श्रुति ने खरीदी है। हाँ सर ये वही लड़की है जो कल डिलीवरी लेने आई थी। लेकिन ये डिलीवरी कल कैसे ले सकती थी, कल तो इसकी शादी थी। शादी के जोड़े में आई थी सर, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो सीधे मंडप से यहाँ पर आई हो। अच्छा ये श्रुति गाड़ी की डिलीवरी लेने कितने बजे आई थी? यही कोई शाम 5 से 6 के बीच। सर मतलब श्रुति घर से दोपहर को निकली थी और विशाल के घर पर पहुंचने से पहले वो यहाँ पर आई गाड़ी लेने। चलो कोई बात नहीं, हम श्रुति से जाके मिलते हैं, उसे बधाई देते हैं नई कॉन्गो कार खरीदने के लिए। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या चाहती हो तुम बोलो, क्या चाहती हो? तुम ही चाहती हो। वैसे सोच रही हूँ कि बाल थोड़ी से कर्ल कर लूं। बकवास बंद करो और ये बताओ बिल्डिंग से कूदी थी तो मरी कैसे नहीं तुम? राज है, बहुत बड़ा राज जो तुम ना कभी नहीं समझ पाओगे। दूर हटो यहाँ से, दूर हटो। डर गए मेरे डरपोक पति? कोई पति वती नहीं हो तुम्हारा। कैसे नहीं हो? मंगलसूत्र पहनाया है तुमने मुझे, मांग में सिंदूर भरा है, अग्नि के साथ फेरे लिए हैं,
पूरी दुनिया गवाह है कि तुम ही मेरे पति। मैं तलाक दे दूंगा तुम्हें। ले 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 ले। तलाक दोगे? हम दे दो तलाक, पर फिर ना मैं एलिमनी में तुम्हारी आधी जायदाद लूंगी। क्या तुमने पैसे के लिए मुझसे शादी की? और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या सूर का आपके पंख लगे हैं कि तू जैसे लंगूर के साथ इतनी खूबसूरत लड़की शादी करेगी? नमस्ते शालिनी। नमस्ते सर। रामू काका की खूनी का कुछ पता चला सर? हाँ पता चल जाएगा, फिलहाल हमें कुछ और पता चला है। इसके लिए आपकी बहू श्रुति से कुछ पूछताछ करनी है, जब बुलाइए उन्हें। बताइए क्या बात है सर? सर ये लड़की बिल्कुल फ्रॉड है, फ्रॉड है सर। सर इसने अभी खुद एक्सेप्ट किया है कि बिल्डिंग से यही कूदी थी। सर इसने मुझसे शादी मेरे पैसे और प्रॉपर्टी के लिए की। ये तुम क्या कह रहे हो सर? प्लीज आप लोग इसकी बातों पे यकीन मत कीजिए। आप लोग तो जानते ही हैं ये शुरू से मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा। लेकिन हम ये नहीं जानते थे श्रुति जी कि उस दिन जब आप फूलों की टोकरी खरीदने गई थी, वो अपनी शादी वाले दिन, आपने एक नई कार भी खरीदी थी, कॉन्गो कार। ये रहे उस गाड़ी के पेपर्स। अब ये मत कहिएगा कि ये पेपर्स नकली हैं। नकली है? अब मैंने कार खरीदी है तो कार है कहाँ? इतनी बड़ी कार में कारपेट के नीचे तो नहीं छुपा सकती ना? सही कह रही हैं। लेकिन वो कार कहाँ है इसका जवाब अब आप ही देंगे। और भी बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, अब जरा हमारे साथ चलिए। ये कौन सी जगह है, कहाँ लेके आए हो मुझे? अभी पता चल जाएगा, बैठो यहाँ। मुझे नहीं बैठना। मैं पूछ नहीं रही हूँ तुमसे, तुम्हें बता रही हूँ, बैठो यहाँ। ये सब क्या है? अब बिजली की झटके दोगे क्या मुझे? जी नहीं, इतने बेरहम नहीं हम लोग। आप पे एक छोटा सा टेस्ट होगा, लाई डिटेक्टर टेस्ट। ये पॉलीग्राफ मशीन बता देगी आप कितना सच बोल रही हैं और कितना झूठ। लाई डिटेक्टर की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना मैं निर्दोष हूँ। हाँ हाँ तो अच्छी बात है, अगर आप निर्दोष हैं, मशीन भी यही बताएगी कि तुम निर्दोष हो। शालिनी ये तुमने क्या किया? क्या इसीलिए मैंने अपनी बेटी तुम्हें दी थी? ये मामला दो घरों के बीच का नहीं है, रामू काका का खून हुआ है, तहकीकात तो होगी ना। तो श्रुति जी आप तैयार हैं? पहला सवाल, उस रात अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से आप ही कूदी थी? सर कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, जवाब दो। नहीं सर, ये तो झूठ बोल रही है। विशाल की पड़ोसन ज्योति ने शादी वाले दिन एक लड़की को घर से बाहर जाते हुए देखा था, क्या वो लड़की तुम थी? बिल्कुल नहीं। अभी तक तुमने सिर्फ झूठ ही बोला है। मैं झूठ नहीं बोलती सर। रामू का फोन तुमने किया? नहीं। चलो कम से कम एक सच तो बोला तुमने। अब साबित हो गया ना कि मैं निर्दोष हूं, तो मुझे जाने दीजिए प्लीज। नहीं, अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम उस बिल्डिंग से क्यों कूदी और कैसे बच गई। मैंने आपको कहा ना सर, मैं किसी भी बिल्डिंग से नहीं कूदी थी। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। सर मुझे इसके साथ 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दीजिए, इसके साथ एक ऐसा टेस्ट करूंगी कि उसके बाद ये सिर्फ सच और सच बोलेगी। अब साबित हो गया ना कि मैं निर्दोष हूँ, तो आप किसी भी निर्दोष के साथ ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुमको यहीं पे बैठे रहना पड़ेगा। लेकिन कब तक? जब तक तुम्हारा सच बताने का मूड नहीं होता।
सर मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, वो बेकसूर है। अगर वो निर्दोष है तो सच क्यों नहीं बता रही है? शादी वाले दिन वो शालिनी जी के घर पे आई थी। ये कैसे हो सकता है, उस वक्त तो वो मंडप में ही थी। सर मुझे उसे मिलने का एक बार मौका दे दीजिए, मैं उससे कहूंगी कि आपको सब कुछ सच सच बताए। ठीक है, आप बात कर लीजिए चिमंती लेके यहाँ से। सर कुछ नहीं दिखने वाला वहां पे, चलो मेरे साथ। श्रुति सर हम इससे 5 मिनट बाद कर सकते हैं अकेले में? 5 मिनट के आप 10 मिनट लीजिए, हमें तो सच्चाई से मतलब है, सच्चाई हमें बता दीजिए। श्रुति तुमने इन्हें सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया? ये सब सच ही तो कहा माँ, अब उनकी मशीन खराब है तो मैं क्या करूं? मुझे बाथरूम जाना है, वॉशरूम कहाँ है? हाँ, उस कमरे में जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। श्रुति इतनी देरी क्यों लगा रही है? श्रुति कहाँ है? वो वॉशरूम में गई है। टाइम क्यों लग रहा है? जयवंती चेक करो। यस सर। सर लड़की गायब है। गायब? इसलिए आपके पास नहीं छोड़ा था कि भागने में मदद करें आप उसकी? सारे ट्रैफिक सिग्नल चेक पोस्ट पे खबर करो, बचकर जानी नहीं चाहिए वो। हेलो हेलो मैन। हाँ विशाल कहाँ पे है तू? यार सीआईडी ब्यूरो में हूँ, वो श्रुति भाग गई ना यार। व्हाट? हाँ यार मैंने पहले बोला था वो फ्रॉड लड़की है। अच्छा सुन, मदद के लिए उसका फोन आ सकता है तेरे पास, ठीक है? तो उसके झांसे में मत आना, ओके? और पूरी जानकारी सीआईडी को देना। चल बाय बाय, टेक केयर। हाँ ध्यान रखना। ओके टेक केयर। अभी जी कैसी हैं आप? आपके देवर के लायक कोई सेवा वेवा हो तो बताइए। मयंक ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, विशाल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। विशाल विशाल अभी अभी विशाल से तो बात कर रहा था मैं। हाँ विशाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? लगता तुम्हारी मौत का पैगाम आ गया। हेलो हेलो मयंक, मैं बोल रही हूँ, कहाँ हो तुम? अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम वहां से भागी क्यों? भागती नहीं तो और क्या करती मैं? हाँ उन्होंने मेरा लाइट डिटेक्टर टेस्ट किया था, उनको पता चल गया था कि मैं ही थी जो बिल्डिंग से कूदी थी। तो क्या हुआ? इस बात से वो कुछ साबित नहीं कर पाते और तुमने वहां से भाग के ना सारे के सारे खेल पे रायता फैला दिया। सुनो वहां बैठ के ना कमेंट्री देना बहुत आसान है, मेरी जगह होती तो पता चलता सीआईडी के सामने क्या हालत होती है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तो भाग गई ना, करता हूँ कुछ मैं। तुम कहाँ पर हो? मैं आ रही हूँ वहाँ पे। शंगा विला। हट, अरे हट, चल, चल, अरे चल, छोड़ो मुझे, चल, छोड़ो, चल, तो बैठ, बैठ यार। तू क्यों कर रही है सब? वो भी पता चलेगा, रुको। आओ आओ आओ, बहुत महान काम करके आई हो ना तुम, आओ। क्या करती मैं और? सीआईडी सवाल पे सवाल पूछे जा रही थी, मैं बस अपनी जान बचा के भाग आई यहाँ। तुम कौन हो? पहचाना नहीं मुझे तुमने? शीशा नहीं देखती हो शायद तुम? हुँ? परछाई हूँ मैं तुम्हारी, बस तुम्हारी जितनी ना अच्छी नहीं। इसका मतलब निशान सच कह रहा था? बिल्कुल सच ही तो कह रहा था, खामखा उसे पागल बना दिया।
मेरे बिचारे पति को, सॉरी तुम्हारे बिचारे पति को। चलो खतरनाक है। कुछ नहीं होगा आपके लिए, चलो आ जाओ। दोस्त हो ना तुम विशाल के, दोस्ती का मतलब भी जानते हो? मैं बताता हूं। सर इस सब की शुरुआत उस दिन हुई जिससे हमने शिखा यानी कि अखिलेश श्रुति को पहली बार रेस्टोरेंट में देखा। उसकी शक्ल श्रुति से बहुत ज्यादा मिलती थी। हमने तभी प्लान किया कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा के इसे हूबहू श्रुति जैसा बना देंगे। शालिनी आंटी तो पहले से तय करके बैठी थी विशाल की शादी सिर्फ और सिर्फ श्रुति से हो। भी हमने सोचा सर इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा विशाल की जायदाद हथियाने का। हम विशाल को पागल साबित करना चाहते थे। उसे दो दो श्रुति दिखे और उसे समझ में ना आए कि क्या हो रहा है उसके साथ। वाह रे वाह, और ये नाटक असली श्रुति की जगह नकली श्रुति, ये कब हुआ? सर उस दिन मॉल में जिस दिन हम तीनों पिक्चर देखने गए थे, मैं अपना फोन गाड़ी में भूला आया। कितनी सीधी लड़की है बेचारी, जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी इसे यहां तक लाने में। लेकिन जितनी सीधी वो है उतनी टेढ़ी मैं हूं। प्लान तो बड़ा बनाया, अब ये भी बता दो किसके कहने पर ये सब कर रहे थे तुम? कौन है इस प्लान के पीछे? आगे तुम फोन पे मुझे धमकी दे रही थी, मेरा भांडा फोड़ दोगी तुम? हाँ, अगर तुमने मुझे और पैसे नहीं दिए तो मैं सीआईडी को सब कुछ सच सच बता दूँ। तू नहीं जानती मैं कितना खतरनाक हूँ। जरा हम भी तो सुनिए चाचा जी कितने खतरनाक है। हर खतरनाक मजरिम बोल जाता है कि उसे सबसे बड़ा खतरा सीआईडी से है। तुमने ही मारा ना रामू को? हाँ, मैंने ही सब किया, मैंने रामू को मारवाया। मगर क्यों? क्योंकि वो मेरा प्लान जान चुका था। कैसा प्लान? असली श्रुति को नकली श्रुति से बदलने का प्लान। रामू को मारने के बाद हमारा प्लान बिगड़ गया तो इन्होंने मुझसे कहा कि हम विशाल को मानसिक रोगी साबित कर देंगे।
मगर आपने ऐसा किया क्यों चाचा जी? प्रॉपर्टी के लिए। आप एक बार इशारा कर देते ना चाचा जी, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर देता। मुझे माफ करो विशाल, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मुझे बचा लीजिए। जेल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, शायद तुम्हें फांसी भी होगी। इशिता, ले जाओ इन दोनों। माँ, चले? कहाँ जा रही हो? अपने घर। शादी के बाद पति का घर ही अपना घर होता है। लेकिन आप तो मुझे अपनी पत्नी मानते ही नहीं है। देखा ना बेटा, विशाल की कोई गलती नहीं थी, उसे फंसाया जा रहा था। आशुति, माँ जी सही कह रही है, मेरी बात मानो तो फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करो दोनों मिलकर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.